नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन हम लोगों को किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात उसका रीज़न क्या है, बोथ प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से और साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो में सीखने की समझने की कोशिश करेंगे। जैसा हम लोगों ने कल के वीडियो में डिस्कशन किया हुआ था कि अगर आज के दिन ब्रेकआउट भी होता है तो इमीडिएटली हम लोगों को बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। इसके पहला रीज़न था कि मैंने आपको बताया हुआ था कि आज के दिन हमारे यहाँ पर क्लियरिंग हॉलीडे होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट हॉलीडे होने के कारण मोस्ट ऑफ द बैंक जो है वो बंद रहेंगे। सेकंड जो था वो यूएस मार्केट में आज के दिन हॉलीडे है, तो अगर आज के दिन शाम को ट्रेडिंग नहीं होगा तो कल के दिन हम लोगों को कोई बड़ा गैप मिलने की आशंका भी यहाँ पर कम हो चुकी है। अभी यहाँ पर आज के दिन का मोमेंटम देखोगे तो 22,122 का जो लेवल है वो हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका था, क्योंकि प्रीवियसली मार्केट ने इस लेवल को दो बार टच किया हुआ है और आज के दिन यहाँ पर जो डोजी कैंडल बन चुका है, ये डोजी कैंडल हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एक इंडी सीजन का फेज बन चुका है। इसका बिगेस्ट रीजन यह है कि बिग प्लेयर ने यहां पर कोई भी बड़ा पोजीशन एंटर नहीं किया हुआ है। अभी मार्केट में फ्रेश बाइंग कब देखने को मिलेगा, जब मार्केट इस लेवल के ऊपर आना सस्टेन हो जाएगा तब यहां पर फ्रेश बाइंग हम लोगों को देखने को मिलेगा, और दो तीन दिन के लिए यहां पर मार्केट टाइम पास करता है और फिर उस लेवल को ब्रेक करता है तो वो हमारे लिए एक हाई प्रोबेबिलिस्टिक ब्रेकआउट ट्रेड निकल के आएगा। फिर मार्केट इस अपसाइड मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है। तो आने वाले दिनों में हम लोगों को कहां पर फोकस करना पड़ेगा कि मार्केट यहां पर एक रेंज बाउंड दायरे में चला जाए और रेंज बाउंड दायरे के बाद 22,122 का जो ऊपर का लेवल है, इस ऊपर के लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा तो अपसाइड का मोमेंटम यहां पर हो सकता है। गया अभी यहां पर आप देखोगे तो ये जो डोजी कैंडल बन चुका है, क्या इसके बाद डाउनसाइड का पॉसिबिलिटी है क्या? एग्जैक्टली यहां पर डाउनसाइड का भी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी निकल करके आ रहा है। इसके पीछे का रीजन आपको समझ में आ जाएगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो हम लोगों को आखिरी एक घंटे में कंटिन्यूसली डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिल चुका है, तो यह हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर मार्केट में ऑलरेडी सेल के पोजीशन बन चुके हैं और ये जो सेल के पोजीशन बने हुए हैं ये अभी भी होल्ड है। मतलब कल के दिन अगर डाउनसाइड का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उसमें भी हमारा प्रोबेबिलिटी बढ़ने की आशंका है। तो कल के दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल डेली चार्ट के ऊपर और इंट्राडे में कौन से निकल करके आ रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, मार्केट कंटिन्यूसली सीरीज ऑफ हायर हाइज हायर लोज लगाते जा रहा है, तो हम लोगों को इस ट्रेंडी मोमेंटम में एक ट्रेंड लाइन निकल करके आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन को अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ था और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल चुका है। तो ऑलरेडी मार्केट जो है वो डाउनसाइड सिनेरियो में इंटर हो चुका है, तो कल के दिन मार्केट इस लेवल को डाउनसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो एक डाउनसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल जाएगा और नीचे के साइड में हमारा जो पहला टारगेट निकल करके आ रहा है वो 22,000 लेवल के करीब का निकल करके आ रहा है। तो इस वाले मोमेंटम में जितने भी लोगों के अभी बाय के पोजीशन बने हुए रहेंगे वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना प्रेफर करेंगे। अभी मार्केट में फ्रेश स्ट्रॉन्ग सेलिंग कब स्टार्ट हो सकती है, तो मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद 22,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है इस 22,000 लेवल के नीचे आ जाता है तो फिर हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिलेगी। इसके पीछे का रीजन क्या है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक तो 22,000 का जो लेवल है वो हमारे लिए क्रूशियल इसलिए बन चुका है क्योंकि वहाँ पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट का डेटा बिल्टअप हुआ है। अगर प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ से मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हुआ था और ओपन इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पर पुट की साइड में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। तो मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आ जाएगा तो डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी मार्केट में हम लोगों को क्लियरिटी के साथ कुछ भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड का मोमेंटम इन बिटवीन कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है। इन बिटवीन वाला जोन जो है वो एक रेंज बाउंड सेनारियो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सेनारियो यहाँ पर डेवलप होते जा रहा है। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। कल के वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था कि हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल करके आ रहा है वो 46,890 के करीब का आ रहा है। इस लेवल का इंपॉर्टेंस समझने के लिए आपको हिस्टोरिकल के ऊपर भी जाना पड़ेगा। अगर हिस्टोरिकली आप देखोगे तो इस लेवल को मार्केट ने मल्टीपल बार रिस्पेक्ट किया हुआ है, तो मार्केट इस लेवल के ऊपर ही निकलेगा तभी जाके अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि फिर क्या करेंगे, जो लोग लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर ट्रेंड करते हैं वो यहाँ पर फ्रेश बाय के पोजीशन को इनिशिएट करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मल्टीपल बार टेस्ट करने के बाद मार्केट जब इस लेवल के नीचे आ रहा था अभी भी उस लेवल के ऊपर लेके जाने के लिए बायर लोग यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ये बायर लोग जब तक एब्सेंट रहेंगे तब तक ब्रेकआउट
की गुंजाइश नहीं रहेगी, और जितना ज़्यादा टाइम मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा उतना ज़्यादा मार्केट में एक पैनिकनेस डेवलप हो जाएगा, और जैसे ही ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिलेगा, ब्रेकआउट में मेनली हम लोगों को फर्स्ट शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, और जैसा जैसा मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पर जो गैप बन चुका है ये गैप फिल करने के लिए मार्केट ऊपर लेके जा सकते हैं, और इसके दौरान मार्केट में एक फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकती है। तो हमेशा याद रखिए, कौन सा भी ट्रेंड अगर आप पकड़ना चाहते हो तो वो ट्रेंड सस्टेन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर ट्रेंड को सस्टेन होना है तो सस्टेन होने के लिए दो पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को देखना पड़ेगा। पहला, हम लोगों को जो है वो फ्रेश बाइंग मार्केट में दिखना चाहिए। अगर फ्रेश बाइंग मार्केट में होता है तो वो ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन होता है, और शॉर्ट कवरिंग भी वहाँ पर दिखना चाहिए। तो इनिशियली मार्केट में शॉर्ट कवरिंग हो जाएगा, उसकी वजह से मार्केट ऊपर के साइड में सस्टेन होना जैसे स्टार्ट हो जाएगा 47,500 के ऊपर, तो फिर उसके बाद आराम से स्ट्रॉन्ग बाइंग होकर हम लोगों को मार्केट ऊपर की साइड जाता हुआ दिखाई देगा। अभी देख लेते हैं कि इंट्राडे में कौन सा सिनेरियो हम लोगों के लिए बेस्ट प्ले हो रहा है और उसके पीछे का रीज़न क्या है। अभी आपके सामने मैंने इंट्राडे का चार्ट लगाया हुआ है। इंट्राडे के 15 मिनट चार्ट में अगर आप देखोगे तो हम लोगों को क्लियर कट एक अच्छा खासा रेक्टेंगल शेप वाला पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रेक्टेंगल शेप वाले पैटर्न में अगर आप देखोगे तो नीचे के साइड में मार्केट ने 3 बार रिस्पेक्ट किया हुआ है, और ऊपर के साइड को मार्केट ने भी 3 बार रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो ऊपर की साइड में 46,700 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, अगर कल के दिन मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, और नीचे की साइड में अगर आप देखते हो तो 46,290 का जो लेवल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। मार्केट इस लेवल के नीचे निकलेगा तो मार्केट में डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को हम लोगों को मिल सकता है। ये जो इन बिटवीन वाला फेज है वो टाइम पास वाला फेज रहेगा, यहाँ पे कोई भी बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप देखोगे तो ये हल्के हल्के बड़े मोमेंटम भी है, इस बड़े मोमेंटम में ऑप्शन का प्रीमियम ज़्यादा नहीं बढ़ता, और फिर उस केस में ऑप्शन बायर को ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। अभी फिलहाल जो मार्केट चल रहा है ये रेंज बाउंड मार्केट जो है वो ऑप्शन राइटर लोगों का मार्केट है, और ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे तो ऊपर की साइड या नीचे के साइड हम लोगों को जब ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो ऑप्शन बायर लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मार्केट रहेगा। कल के दिन लाइव मार्केट में अगर कुछ अच्छा अपडेट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाता है तो अपने टेलीग्राम चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू सो मच।